मैम, G20 को लेकर फूड फेस्टिवल लगा और सबसे पहले आप जिस तरीके से मोटे अनाज की शॉप पर गई थी, क्या कहेंगी? जी, मोटे अनाज को पूरा देश बढ़ावा दे रहा है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। कम पानी में उगने वाला और कम समय में पूरी पौध बनने वाला ये अनाज है, और न्यूट्रिशनल कैपेसिटी जो है, जो उसकी ताकत है भोजन की, वो भी कहीं अधिक है, क्योंकि केवल ग्लूकोज या चीनी की मात्रा नहीं है उसमें, उसमें बहुत सारे माइक्रो मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, लोहा, कैल्शियम वगैरह, इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जिससे सेहत अच्छी रहती है। कैसे इसको प्रमोट और किया जा सके, क्योंकि तमाम लोग इसके बारे में कम जागरूक हैं? देखिए, ये तो भारत का ओरिजिनल अनाज है, और भारत का ओरिजिनल अनाज भारतीय भूल जाएं, वो भी मात्र 50-60 साल में, तो हमारी कुछ कमी रही होगी, लेकिन वापस उन दूरियों को ठीक करने का विषय है। और उसका कारण स्पष्ट है कि भारत में तो सबसे ज़्यादा मोटा अनाज खाया जाता है, और कोडू, बाजरा, ज्वार, सब तरीके का अनाज, रागी, भारत के अन्य अन्य प्रांतों में वो खाया जाता है, और हमें चाहिए कि अधिक से अधिक लोग उसकी तरफ जुड़ें, तो जितनी अन्य बीमारियां जो हो रही हैं वो सब भी ठीक होंगी, और कम पानी की खपत में ये अनाज उगाए जाते हैं। मैम, चार स्टॉल जो है ना, विदेशों से आ रखी हैं, चार स्टॉल, समझ रही ना? मैं वो नहीं बोलना चाह रहा हूँ जो आपने अभी पिछले समय जब जवाब दिया, क्या लगता है इनके बारे में? नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि विदेश G20 के माध्यम से हमें सब देशों के बीच भोजन को बढ़ाना है, और साथ ही अधिक से अधिक लोग इसके साथ जुड़े। अच्छा, तमाम जनता देख रही, क्या कहेंगे? मैं तमाम जनता को यही आग्रह करना चाहती हूँ कि अपनी देश की परंपराओं को जीवित रखें, और उन परंपराओं में भोजन की जो परंपरा है उसको भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि भोजन के माध्यम से देश की सभ्यता संस्कृति भी आगे बढ़ती है, और हमारे यहाँ हर तरीके की वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, और साथ ही भोजन भी बहुत तरीके का है, और हेल्दी भोजन भी है। सो ऑल आई कैन रिक्वेस्ट इज दैट लेट्स प्रमोट हेल्दी ईटिंग। जरा इतना बताएंगे कि क्या अच्छा लगा यहाँ पे? तमाम फूड की भी दुकानें लगी। नहीं नहीं, मैं तो वो देख रही हूँ, मेरी नज़र जा रही है रागी की इडली पर। रागी की इडली है? हाँ, चटनी के साथ सर्व कर रहे हो? सांभर नहीं दे रहे? गलत बात ना, सांभर देनी चाहिए। अच्छा, क्या मूंगफली की चटनी है? नहीं, क्या आपका वो क्या है, कॉस्टिंग क्या है? ये 200 ग्राम का पैक आता है, रेडी टू मिक्स में है। MRP 30% डिस्काउंट। दिखाओ दिखाओ। दिल्ली में कहाँ कहाँ मिल रहा है? दिल्ली में सब जगह अवेलेबल है, जैसे कि हमारे SMT के स्टोर्स हैं, राज मंदिर वगैरह है, और हमारे Amazon, Flipkart, इन सब पे भी अवेलेबल है। जो राशन की दुकानें जहाँ से राशन आता है वहाँ अवेलेबल है? हाँ जी, हाँ जी, जो मार्केट है ना, GT का मार्केट, उसमें अवेलेबल है। बहुत बढ़िया जी, ऐसा लगा मैम? बहुत बढ़िया, बढ़िया टेस्ट था। हाँ, और कुछ कहेंगी इसके बारे में? नहीं, मैं तो खाना खा लिया मैंने। मैम, एक और ट्राई कीजिए प्लीज। नहीं, फिर बाकी चीजें नहीं ट्राई होंगी। मैम प्लीज, थैंक यू। सर, आप ट्राई करेंगे प्लीज? ये चीला किस चीज का बनाया आपने? अच्छा, पर मिक्स, अरे नहीं यार, ये ना एक्चुअली क्या है ना कि इसमें हमारी पूरी रेंज है, आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके मैं वैसे ही ट्राई करने वाली हूँ, मैं आपका पर्ची लेके जाने वाली हूँ। मैं वैसे ग्लूटेन फ्री खाना खाती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया थी। एक्चुअली हम लोगों ने ना कोविड से पहले ही ये लोग हम लोगों ने बनाया था ग्लूटेन फ्री का,
ग्रुप का नाम भी अच्छा है आजकल ना लोग अपनी इतनी ज्यादा मतलब है कि बिजी लाइफ में से ना शेड्यूल निकाल नहीं पाते हेल्थ के लिए, तो गेहूं का खाते हैं तो उसमें ग्लूटेन होता ही है, ये ग्लूटेन फ्री है, तो हम लोग जैसे वीक में 3 डेज 4 डेज हम चेंज करके खाएंगे तो उसके लिए हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और हमारा जो लोग है वो भी है कि सेहत आपकी वादा हमारा। अंसारी ग्रुप वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरा एक्चुअली लंच टाइम हो चुका था और तुमने बड़े सही टाइम पे मुझे इडली खिला दी, थैंक यू। तमाम फूडों को चख रहे हैं, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।